हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपने अभी प्रेगनेंसी कंसीव की है या फिर आपकी प्रेगनेंसी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो कुछ ज़रूरी ऐसी बातें हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। ये काम आपको गर्भावस्था के दौरान नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो काम है ये गर्भवती महिला के लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए हानिकारक होते हैं, निगेटिव इफेक्ट डालते हैं आपकी प्रेगनेंसी पर, आपके बच्चे पर। तो क्या है वो सारी बातें आज के इस वीडियो में बताएंगे। अपने एक्सपीरियंस के साथ आज ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो टिप्स मैंने अपनी प्रेगनेंसी फॉलो की थी और ये काम जो मैंने नहीं किए थे वही आपको बताने जा रहे हैं। ये टिप्स खासकर उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अभी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं और जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता और उन्हें कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान। तो आप ये खास बातों का अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में छोटी बड़ी सारी बातों का इफ़ेक्ट आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है। तो सब कुछ पता होना, जानकारी होना ज़रूरी है। अगर सही जानकारी होगी तो आप अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रख सकते हैं, अपने बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और फर्स्ट टाइम व्यू करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दूसरे चैनल बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें भी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला काम है नहीं करना चाहिए वो है कि आपको अपने खान पान का है जो बेहद ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक बेसिक प्रॉब्लम होती है कि क्रेविंग बहुत होती है, फूड क्रेविंग, किसी खास चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और आप उस चीज़ को रोक भी नहीं सकते, वो हार्मोनल होता है, सबको होता है। किसी को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मीठे को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो वहीं कुछ लोगों को तीखी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। रोकना भी नहीं चाहिए, ऐसा हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहते थे कि अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आपको खानी चाहिए वो चीज़। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप उसको खा करके अपनी फूड क्रेविंग को शांत कर लीजिए, ललचाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका बच्चे पर भी कुछ कहते हैं कि वो क्रेविंग एक्चुअली बच्चे के लिए, बच्चे को होती है, उसका मन होता है खाने का, इसलिए मदर को भी वो फील होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ की फूड क्रेविंग हो रही है तो आप उसको कोशिश करिए कि अपने घर पे बना कर खाइए। बाहर का खाना, डिब्बा बंद खाना, खुला हुआ बाहर की अनहाइजीनिक चीज़ें खाना, इससे प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। आप कभी कभार बाहर का ले सकते हैं, मैं भी खा लेती थी, लेकिन ऐसी जगह का खाइए जहाँ पे क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती हो, साफ़ सुथरी हो, हाइजीनिक हो। अनहाइजीनिक चीज़ें, खुली हुई चीज़ें या फिर जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, ऐसी चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए। इससे पेट दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन किसी तरह का हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ पसंद है तो आप घर पे बना करके खाइए। अगर आप बाहर का खा रहे हैं तो वो कभी कभार होना चाहिए और साफ़ सुथरी क्वालिटी वाली चीज़ होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान खान पान का बेहद ज़रूरी होता है ध्यान रखना। और कुछ ऐसे फल होते हैं, कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिन्हें की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बिल्कुल भी खाना ही नहीं चाहिए। उस पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, तो आप वो वीडियो प्लीज़ देखिए, उसमें कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें नहीं खानी चाहिए प्रेगनेंसी दौरान, कौन से ऐसे फल हैं। तो ये पहली चीज़ होती है कि अगर आपको कोई फूड क्रेविंग हो रही है तो लोग क्या करते हैं प्रेगनेंसी दौरान कि ज़्यादातर बाहर का मंगा के खाते हैं, तो ये चीज़ मत करिए। ये पहली बात तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं है, आपके इससे आपका कोई वेट गेन नहीं होगा, इससे आपका बच्चा भी कमज़ोर होगा। तो अपने घर पर या तो बना खाइए, अगर कभी कभार आपको खाना है तो अच्छी साफ़ सुथरी क्वालिटी वाली चीज़ खाइए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी के दौरान, आपके सोने जगने की स्थिति कैसी है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप जिस तरह से सो रही हैं उस पर आपके बच्चे पर उसका असर होता है। सीधे करवट, सीधे एकदम पीठ के बल सोना प्रेगनेंसी में नहीं चाहिए। इससे कहते हैं कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। और पेट के बल भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सोना चाहिए, वो तो खतरनाक पोजीशन है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। आपको पीठ के बल भी सीधे नहीं सोना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। जो बेस्ट पोजीशन होती है करवट लेकर के सोने वाली, या तो आप दाईं तरफ करवट लेके सोएं या तो बाईं तरफ, और उसमें भी जो सबसे बेस्ट होता है वो बाईं तरफ करवट लेकर के सोना चाहिए। ये दो बेस्ट पोजीशन होती हैं, करवट लेकर के सोने चाहिए, इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेने में भी आसानी होती है और मदर को भी आसानी होती है सोने में। क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोएंगे तो आपको भी, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाएगी, थर्ड ट्राइमेस्टर तक पहुंचती जाएगी, आपको खुद को भी सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो बच्चा है वो पूरा
कवर हो जाता है, वो पूरा पेट तक कवर हो जाता है, वो श्वास नली तक आने लगता है। तो इसलिए जो गर्भवती महिला होती हैं उनको जब प्रेगनेंसी आखिरी के 3 महीने में पहुंचती है तो सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, इसलिए गर्भवती महिला की सांस फूलने लगती है। तो अगर आप करवट लेकर के सोती हैं तो इससे आपको भी आसानी होगी और बच्चे को भी आसानी होगी सांस लेने में। तीसरी जो टिप है, बहुत बेसिक सी बात है कि प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आपकी तो प्रेगनेंसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, इससे आपके बच्चे पे असर पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं, किसी बात को बहुत ज़्यादा बार बार सोचती हैं, तो इससे आपका बच्चा जो है वो भी चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, ज़िद्दी स्वभाव का होता है, रोतलू होता है, हर समय रोना चिड़चिड़ाना। कुछ बच्चे होते हैं कि जब से वो जन्म लेते हैं वो बहुत खेलते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, वो बिल्कुल नहीं रोते, वो खा पी लेते हैं, अपना सोते रहते हैं सारा दिन। और वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारा दिन रोते रहते हैं, बचपन से ही उनका स्वभाव होता है रोने का। तो ये डिपेंड करता है कि गर्भवती महिला ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कैसी उनकी मानसिक स्थिति रही है, कैसा उनका घर का माहौल रहा है, किस एनवायरनमेंट में उनकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ हुई है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, घर का एनवायरनमेंट कैसा भी हो आपको खुश रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा रोएंगी, स्ट्रेस लेंगी, टेंशन लेंगी, तो आपका बच्चा भी वैसे ही रोतला होगा और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा, ज़िद्दी होगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी दौरान रोना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए, और इससे आपकी प्रेगनेंसी पे भी गलत इफेक्ट पड़ेगा, ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है और मिसकैरेज तक हो जाते हैं अगर शुरुआती प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टेंशन ली जाए तो। चौथी जो टिप ध्यान रखनी है आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो खासकर ये उनके लिए है कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना, ट्रैवल करना, या घर में ही बहुत ज़्यादा आप हैवी वर्क लोड ले रहे हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उन्हें पता नहीं था, काफ़ी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो भारी सामान उठाने लगते हैं, इधर उधर रखने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और फिर मिसकैरेज हो जाते हैं। तो ये शुरुआती प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्क लोड नहीं लेना है। अगर आप जर्नी कर रहे हैं तो वो रोड अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गड्ढे वाली रोड, ख़राब सड़कों पे जर्नी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आपको धक्का लगेगा आपके ब्लीडिंग होने के, मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। और शुरुआती 3 महीने में आपको बहुत एहतियात रखना पड़ता है प्रेगनेंसी को लेकर के अपनी। जब ये 3 महीने शुरुआती निकल जाते हैं तो प्रेगनेंसी सेफ हो जाती है। और पाँचवीं और आखिरी टिप जो है, प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवाई अपने मन से या फिर किसी की बताई हुई कि मुझे ये फ़ायदा हुआ था, तुम भी ये खा लो, तुम्हें भी आराम हो जाएगा, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनकी कंडीशन कुछ और हो सकती है, आपकी कंडीशन कुछ और हो सकती है, इसलिए हमेशा दवाई अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लें। अपने डॉक्टर से जब भी विज़िट करने जाएं, प्रेगनेंसी के दौरान कई बार समस्याएं आती हैं, पेट दर्द होता है या फिर फीवर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसकी पहले से आप दवाई पूछ करके रख लें। जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको भागना ना पड़े अचानक से डॉक्टर के पास, आप वो दवाई लेकर के खा सकती हैं। क्योंकि ये टिप मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो की थी, मैंने हर चीज़ की मेडिसिन लेकर के रखी हुई थी। अगर मैं उसको घरेलू उपाय से ठीक कर लेती थी तो मैं दवाई नहीं खाती थी, अगर वो घरेलू उपाय से ठीक नहीं हो पाती थी तभी दवाई का सहारा लेना पड़ता था, तभी दवाई खाती थी। तो इसलिए हर चीज़ की दवाई अपने डॉक्टर से जो प्रेगनेंसी दौरान खाई जाती हैं वो लिखवा के रख लें। जब आपको कभी ज़रूरत पड़े तो अचानक से आपको एकदम से डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी मेडिसिन लेकर के खुद से खा सकते हैं। लेकिन किसी के द्वारा बताई हुई, किसी की सजेस्ट हुई की हुई मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, या खुद से ही कोई अपने मन से दवाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन अलग होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन अलग होती है। तो इसलिए जो भी दवाएं खाएं वो डॉक्टर से पूछ खाएँ, डॉक्टर के सजेशन पे ही खाएं, और कोशिश करें कि अपनी समस्या को घरेलू उपाय से ही ठीक कर लें, कि प्रेगनेंसी में भी आपको दवाई ना खानी पड़े छोटी मोटी समस्याओं के लिए। अगर प्रॉब्लम बड़ी है, अनकंट्रोल है, तो ही दवाई खाएं। तो ये थी वो खास 5 जानकारी जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप रखती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, स्मूथ रहेगी, और आपका बच्चा भी हेल्दी एंड सेफ होगा। ये 5 टिप मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो की और अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ भी शेयर की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।